मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गुरुवार को लाइव प्रसारण किया गया। इसके अंतर्गत 44,000 करोड़ रुपए की रोड मैप का विमोचन भोपाल में किया गया, जिसका लाइव प्रसारण रविन्द्रनाथ टिग्रह में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, संभाग आयुक्त पवन शर्मा, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मिशन नगरोदय कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने संबोधन करने से पहले बोलते समय मास्क हटाया और कहा कि सभी मास्क पहने, मास्क कोई दाढ़ी में लगाने के लिए नहीं है और ना ही गले में लटकाने के लिए, वह अपने चेहरे और मुंह को कवर करने के लिए है, इसीलिए सब मास्क लगाएंगे। इसके साथ ही आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। वहीं देश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में शहीद हुए अनेकों क्रांतिकारियों को भी शहादत और श्रद्धांजलि दी गई। आज के दिन 52 जिलों में अलग अलग जगह पर आज़ादी के 75वें वर्ष के कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह राशि अभी तो शगुन है, 5 सालों में 70,000 करोड़ का आम जनता को और लाभ मिलेगा। गंगा सा खज्जा नायक, तात्या टोपे, एक नहीं बट्टावर सिंह, एक नहीं राणा रणमत सिंह, एक नहीं अनेकों ऐसे क्रांतिकारी मध्य प्रदेश में हुए हैं जिन्होंने अपनी जान दे के भी भारत माता को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया है। एक साल में लगातार उनकी स्मृति में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 कार्यक्रम हर एक जिले में, 75 हमारे जो 52 जिले उनमें, और जो प्रमुख स्थान है जैसे भावरा, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अलग अलग जगह जहाँ हमारे शहीदों की जन्म स्थली या कर्म स्थली है, वहां कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज से हम इन कार्यक्रमों का प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज हमारा नगरोदय कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में आज हमारे वो बहन और भाई हमारे बीच बैठे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए आज दूसरी, पहली और दूसरी किस्त जिनके खातों में डाली जा रही है। 1,63,000 बहनों और भाइयों के खाते में 1,602 करोड़ रुपया अभी आपके सामने अभी अभी मैंने डाले हैं। ये मकान बनाने के लिए भी राशि डाल, स्ट्रीट वेंडर के लिए, वो गरीब भाई और बहन विशेषकर हमारे छोटे छोटे काम धंधा करने वाले, फुटपाथ पे फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय के ठेले वाले, पान की बूटी वाले, पंचर जोड़ने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कई तरह के छोटे छोटे काम धंधे करते थे, उन सब के काम धंधे ठप हो गए थे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत मध्य प्रदेश में लगभग 3.25 लाख ऐसे गरीब बहनों और भाइयों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि डाली जा चुकी है योजना का प्रारंभ होने से लेकर अब तक, और उनके साथ देश ने लिया, और आज से आजादी 75 के कार्यक्रमों का प्रारंभ हो रहा है। आज आपने देखा, और आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता केवल भारत के नहीं, नरेंद्र मोदी आज दुनिया के नेता है, दुनिया के नेता, और ऐसे नेता जो जान बचाने के लिए केवल भारतवासियों को वैक्सीन नहीं दे रहे, पाकिस्तान में भी वैक्सीन लग जाए इसका इंतजाम कर रहे हैं, भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां कट जाए इसके लिए अपने खून की अंतिम बूंद तक न्योछावर कर दी। आज मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम उन सभी शहीदों को जिनके कारण क्रांतिकारियों को अहिंसक आंदोलन चलाने वाले स्मृति के स्थल है उन पर भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाए, उसी तारतम्य में हम आज यहाँ उनको श्रद्धांजलि कहिए या मंत्री मैडम श्रीमती उषा ठाकुर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री शंकर लालवानी जी, विधायक श्री महेंद्र हड़िया जी, मंचासीन विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी,
मेरे साथी अधिकारी प्रतिभा और शीतला अन्य, जिसका आरंभ अभी 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जिसमें हम नगर के संबंध में जो बहुत सी योजनाएं हैं उनका कुछों का लोकार्पण होगा और कुछों का शुभारंभ होगा। आप सब लोगों को पता होगा कि 75 वर्ष हमारी आजादी की जो वर्षगांठ है उसको पूरे होने वाले हैं। 1947 में हमारी आजादी हमें प्राप्त हुई थी, उसकी आज से जो कार्यक्रम है उनका आरंभ हो रहा है और अगले साल जाके उनका एक तरह से इस साल कंक्लूड होगा। बड़े कार्यक्रम था, आगामी इतने दिनों तक रोज कार्यक्रम किए जाएंगे। पहले मध्य प्रदेश में था कि 75 जगह एक साथ कार्यक्रम होंगे, पर अंततः